और चलिए अब रुक करेंगे सीधे वीरेश पांडे का। वीरेश जी, क्योंकि आप काशी में मौजूद हैं, यूं तो इस फैसले का इंतजार पूरे देश भर में हो रहा है, लेकिन काशी की जनता क्या सोच रही है? दूर दूर से लोग वहां आए होंगे, वो क्या सोच रहे हैं? देखिए, काशी की जनता से बात करिए तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमसे बात किया, उन्होंने कहा भैया क्या हो रहा है, आज बहुत बड़ा फैसला आ जाएगा, आज ही तय हो जाएगा कि काशी में जो ज्ञानवापी का मामला है वो स्पष्ट हो जाएगा, आज के बाद कोर्ट कचहरी सब जो है ये जो दौड़ है वो समाप्त हो जाएगी। भांति भांति के लोग हैं। देखिए, टेक्निकल मामला है, तकनीकी मामला है, कानून के बहुत जानकार, कानूनी पक्ष के बहुत जानकार लोग सामान्य जनमानस नहीं होता है, लेकिन जहां टेलीविजन चैनल चल रहे हैं वहां की स्थिति आप देखिए, हमारे किसी दूसरे पक्ष के जो चैनल वाले हैं वो अपना काम कर रहे हैं और वहाँ आसपास खड़े वकील साहब को सुनने के लिए जनता और जनता से आसपास लोग उत्सुकता बनाए हुए हैं कि आखिर क्या हो रहा है। तो जनमानस में उत्सुकता है, क्यूरियोसिटी है और जानने की समझने की एक प्रयास है और इसी वजह से टेलीविजन चैनल के आसपास एक चचा हमें मिले, बोले कि हमने कहा कि क्या समझ रहे हैं इसमें, क्या देखा आपने, बोले यार चार दिन से हमारा टीविया खराब रहे, सोचे तो है साक्षात देख लें, तो है लाइव देख लें, तो है सुन ली समझ ली, तो हमने कहा बहुत बढ़िया। तो देखिए, ये लोग हैं, इन्हीं से पूछ लेते, भैया कितना ही बताओ टीका उका लगाया हो, कहाँ से आए? देखिए, मैं तो जौनपुर से आया हूँ। खाली सुन लें? नहीं, सुनने नहीं, अपने काम से भी आया था, मेरा घर वाराणसी में ही है, लेकिन मैं उत्सुकता बस आ गया क्योंकि आज फैसला भी होना है तो घर भी आज ही चलते हैं। और जिस प्रकार से आज एक नींव रखी जानी है कि जब एक 400 वर्ष पहले जो राजनीति की ट्रेनिंग ले रहे हैं, नहीं नहीं राजनीति की ट्रेनिंग हो, देखिए अगर आप सामाजिक न्याय की बात करें तो राजनीति हर बार नहीं होती है, ठीक है। 1669 में जब औरंगजेब ने ये फरमान जारी किया कि मस्जिद को तोड़ा जाए, जब ये मासीर है आलमगिरी में लिखा भी है, उसके बाद से जब ये ब्रिटिश सरकार में जब ये मुकदमा चला उन्होंने भी ये बोला कि ये प्लॉट नंबर 1931 1930 और 1933 ये सभी हिंदू लोग इसको रिलीजियस जानकार आदमी हो भैया, तो ये तो बहुत कानून का पढ़ाई। हाँ, मैं LLB कर रहा हूँ। समझ गया, देखा आपने इनकी, आपको बताओ भैया। मैं बनारस से हूँ, यहीं का निवासी हूँ। क्या सुनने आए? यही सुनने आया कि आज फैसला होने वाला है श्रृंगार गौरी जी का। और आज चटक के फैसला आ जाएगा, इसी ध्येय से आए हो ना? फैसला तो आएगा, बिल्कुल पक्ष में ही आएगा, बिल्कुल आना चाहिए। कर लिया आप लोगों ने? वकील साहब से भी बात कर लेते हैं, वकील साहब भी लोग हैं यहाँ, वो निकले हुए हैं कोर्ट से कि कुछ लोग बात करें। साहब ये बताइए, आप तो पकड़ लिए गए, वही हैं जो स्कूटी पे मई में बैठ के भागते थे, आप तो हिंदू पक्ष के वकील है ना? जी सर, आप ही की जरूरत। दीपक सिंह, जनता जो उत्सुक लोग हैं यहाँ पे, उनकी उत्सुकता कैसे शांत होगी? कह रहे हैं आज ये फैसला आ जाएगा। नहीं तो आज तो फैसला आ ही रहा है और फैसला हम लोगों के पक्ष में आ रहा है। ये फैसला आ जाएगा आज, पोषणीयता पे ये फैसला आ रहा है। ये पोषणीयता आम शब्दों में बताइए, पोषणीयता का मतलब ये है कि जैसे मुस्लिम पक्ष जो है ये गया हाई कोर्ट से, वहाँ खारिज हुआ उनका केस, तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट गए कि ये केस जो है बाढ़ है, ये 1991 के वर्ष सुनने लायक है कि नहीं, सुनने लायक है कि नहीं, या इस पे जो है ये ऑर्डर 7 रूल 11 पे जो है ये जो है मुकदमा को जो है ये फोकस है जो है। गुंजन, ये वकील साहब मैं पहचान लिया मई में जब ये स्कूटी पे बैठ के और चार सुरक्षा कर्मियों के साथ भागते जाते थे, बोलते नहीं थे, दिखाई थी जब सर्वे कराया जा रहा था। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।